लोकसभा का आयोजन हो रहा है, उसमें सबका स्वागत है। वेलकम टू द जनता पार्लियामेंट। एंड एज वी ऑल नो, द पार्लियामेंट हैज नॉट बीन सेशन फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, एंड दिस देयरफॉर देयर हैज बीन नो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इन द लास्ट 5 मंथ्स। पिछले 5 महीने से लोकसभा का बैठक नहीं हुआ है, ना होने की वजह से हमारे पूरे कार्यक्रमों में कोई उसका देख रेख या उसका निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रही है। ये हमें बहुत ही चौंकाता है, क्योंकि ये कोविड के पैंडमिक के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं। इट्स मोस्ट शॉकिंग बिकॉज इट्स इन द मिडल ऑफ अ पैंडमिक, एंड अ पैंडमिक विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट मल्टीपल लेवल्स, वेयर यू नीड टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम द पीपल एंड टू टॉक टू देम थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इस पूरी चर्चा में नीति निर्धारण, पूरा नीति निर्धारण लोकसभा में होना चाहिए था। 2 जने 3 जने कहीं सचिवालय में बैठ के, कोई प्रधानमंत्री हो या मंत्रिमंडल भी हो, क्या निर्णय ले सकते हैं जब देश इतना व्यापक है और इतने राज्य हैं और हमारे संविधान कहता है कि हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, तो उसमें कैसे 1-4 लोग निर्णय ले सकते हैं। इट्स अनथिंकेबल दैट पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड बाय हैंडफुल ऑफ पीपल and not go and be vetted through parliament, not only through parliament and our representatives who are in it, but in a federal system by the state governments who have an equal responsibility to function and deliver, but have no say in the making of policy. Not only that, on the contrary, labor law is being pushed through via ordinance, criminal law and environment amendments are being proposed, and education policy has been rammed through. ना केवल ये नहीं किया है, किया क्या है, अभी 5 महीनों में पूरे श्रम कानून को जबरदस्ती ऑर्डिनेंस के माध्यम में बदला गया है। जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है और हमारे जो पूरा पर्यावरण पर्यावरण संबंधित जो चीज़ें हैं उनको संशोधन करने के लिए बातचीत हो रही है, जो बुनियादी तरीके से हमारे सारी जिंदगी के ऊपर असर होगा। और शिक्षा का जो पूरा नीति है वो कुछ चंद लोगों ने मिलकर पूरे देश को उसके ऊपर हावी होने के लिए कर दिया है। हाँ, हमारे ऊपर निगरानी नहीं है, हमारे ऊपर कोई हमारे साथ बातचीत करके कुछ प्रक्रियाओं को आगे ले जाने की नहीं है, हमारे राज्यों में विधानसभाओं का आयोजन नहीं हुआ है, केवल एक बार हुआ है राज्यसभा के मेंबर को चयन करने के लिए। इट्स बीन कम्प्लीटली नॉन कंसल्टेटिव प्रोसेस। Even without parliament, there has been, of course, no oversight. State assemblies have not been convened, and they have been only convened to elect Rajya Sabha members. What happens to public monitoring and accountability? How do people talk to the state or the government about what is happening? Nigrani rakhne ke liye janta kya karegi? Jawabdehi ke liye kya karegi? Log kis tarike se hamare sattadariyon ke saath, hamare sarkar chalane walon ke saath baat karegi? Isme हमका सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब तक हम लोग उसकी निगरानी नहीं करेंगे, उसकी जवाबदेह सरकार को नहीं बनाएंगे, तो हम किस तरीके से सरकार चला पाएंगे। विदाउट पब्लिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, हाउ कैन वी एज ए पीपल इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट वायोलेटेड? जन सरोकार एंड अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन कोलेबोरेशन हैव बिगन दिस एफर्ट एंड वी वेलकम यू टू इट। जन सरोकार बहुत और संगठन संस्थाओं के साथ मिलकर इसका आयोजन कर रहा है कि हम अपने मंच बनाएं जिससे हम अपने सरकार के साथ बात कर सकें। आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। इसमें कुछ चीज़ों का मैं आपको बताना चाहती हूं कि चर्चा 10 थीम माने 10 विषयों पर होगा। 30 घंटे हम चर्चा करेंगे, कम से कम 200 लोग इसमें अपने विचार पेश करेंगे और 2000 लोग अभी तक पूरे देश में अपना रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। वी वॉन्ट टू ऑल्सो इन्फॉर्म यू वाई वेलकमिंग यू टू दिस डिबेट एंड डिस्कशन इन द पीपल्स पार्लियामेंट एंड द जनता पार्लियामेंट दैट द डिस्कशन विल बी अराउंड 10 थीम्स। देर बी ओवर 30 आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन। देर बी मोर देन 200 स्पीकर्स एंड ऑलरेडी ओवर 2000 पीपल हैव रजिस्टर्ड अक्रॉस ऑल सेशंस। I welcome Justice Shah, Jignesh Mevani, Saida Hamid and Soni Sori to the first session, the inaugural session of the Janta Parliament.
मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जस्टिस शाह, सईदा हमीद, जिग्नेश मेवानी और सोनी सूरी को ये पहले सत्र में आमंत्रित कर रही हूँ, इसका उद्घाटन सत्र में, कि वो अपने बात हमारे सामने रखें। शुक्रिया।